नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। 14 मार्च 2020 को सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य देव जो है फिलहाल कुंभ राशि में है। कुंभ राशि सूर्य देव की अति शत्रु राशि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि होती है शनि देव की राशि। शनि देव जो है वो सूर्य देव के अति शत्रु ग्रह माने जाते हैं, तो ऑब्वियसली शनि देव की राशि शनि देव की अति शत्रु राशि मानी जाती है। लेकिन अब सूर्य देव को अपनी अति शत्रु राशि से निजात मिल रही है। सूर्य देव मित्र राशि या फिर कहें मीन राशि में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 14 तारीख को। 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक सूर्यदेव मीन राशि में रहेंगे। ऑब्वियसली आपको ये बात पता भी होगी यदि आप ज्योतिष प्रेमी धर्म प्रेमी हैं तो, कि सूर्यदेव किसी भी एक राशि में करीब करीब एक माह रहते ही हैं। तो 14 मार्च से 13 अप्रैल तक सूर्यदेव मीन राशि में रहने वाले हैं। अब सूर्यदेव का जो राशि परिवर्तन है या फिर कहें सूर्यदेव का मीन राशि में प्रवेश, सूर्यदेव का मीन राशि में एक महीना लगभग रहना आपके अलग अलग राशियों के लिए क्या प्रभाव लेकर के आया है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको यहाँ पर राशिफल भविष्यफल बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले मेष राशि के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, स्थानांतरण के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। कहीं आप स्थानांतरण चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी खबर आपके लिए हो सकती है। लेकिन यदि आप स्थानांतरण नहीं चाहते हैं तो हो सकता है कि ऐसे कोई योग बने जो कि आपका स्थानांतरण करवा दें और ये खबर आपको अच्छी ना लगे। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आपको ज्यादा जरूरी है, खास तौर पर पेट संबंधी समस्याएं, डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी समस्याएं, इनका ध्यान जरूर से रखें। क्रोध गुस्सा ये आपको यहां पर बढ़ सकता है, इसका भी ध्यान रखिए। मेष राशि के बाद वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं। प्रतिष्ठा में लाभ होगा, मान सम्मान आपको जो है यहाँ पर मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साथ ही साथ कोई महंगी खरीदारी आप कर सकते हैं। महंगी खरीदारी का कहने का मतलब ये गर्मी का मौसम आ रहा है, हो सकता है आप एयर कंडीशन खरीद लें, हो सकता है आप कोई बड़ी गाड़ी खरीद लें, आपके पास ऑलरेडी कोई गाड़ी है आप उससे महंगी गाड़ी खरीद ले, थोड़ा सा लग्जरी की तरफ आप पैसा खर्च करने का सोचेंगे और करेंगे भी, तो ऐसी खरीदारी के योग भी दिखते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको लाभ भी मिलेगा। मतलब देखिए, पैसा जा रहा है, यह जरूरी नहीं कि आपने एयर कंडीशनर खरीद लिया तो आपने फिजूल खर्च कर दिया या महंगी गाड़ी खरीदी तो फिजूल खर्च कर दिया। ऑब्वियसली जितनी चादर है उतना ही पैर पसारते हैं यदि कोई, तो वो किसी को भी नुकसान नहीं देता है, तो निसंदेह आपके लिए यहाँ पर नुकसानदायक नहीं है। और उसी के साथ ये भी कहूँगा कि आप खर्चे की बात तो करी मैंने, भाई महंगी खरीदारी करेंगे तो खर्चा तो होगा, लेकिन आय इनकम पैसा जो आता है वो भी बरकरार रहेगा, बाकायदा आता रहेगा, तो ओवरऑल आपके लिए समय बहुत अच्छा है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो कार्य की अधिकता मुझे यहाँ पर आपकी ज्यादा लगती है, मेहनत ज्यादा लगती है। ये सूर्यदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए भागा दौड़ी ज्यादा लेकर के आया है। हो सकता है थोड़े से आप परेशान हो जाए कि यार बहुत भागना पड़ रहा है, बहुत दौड़ना पड़ रहा है, बहुत चीजों को जो है वो मेहनत के जरिए पाना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा होगा। और एक बात ये भी है कि मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता भी मुझे यहाँ पर दिखती है, तो चिंता का कोई विषय नहीं है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि के जातकों की बात करें तो धन में खास तौर पर मुझे लाभ दिखता है। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप भूमि खरीदना चाहते हैं, जो भी रिस्की इन्वेस्टमेंट होते हैं वैसे चीज में आप निवेश कर सकते हैं, आपका यहाँ पर लाभ मुझे जरूर से बनता हुआ नजर आता है। सूर्यदेव आपका धन लाभ करवाने के लिए आए हुए हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में भी रिस्क इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, नई कोई योजना बना रहे हैं, बहुत अच्छा आपके लिए समय सूर्यदेव बना रहे हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। कर्क राशि के बाद सिंह राशि के जातकों की बात यदि हम करते हैं तो चिंता के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। क्रोध गुस्सा आपको यहाँ पर ज्यादा हो सकता है। वाद विवाद की स्थिति की वजह से तनाव या अलगाव की स्थितियां भी बन सकती है, जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। परिवार में वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। कन्या राशि के जातकों के लिए भी वही बात कहूंगा कि अलगाव के योग है, लेकिन एक और बात ये कहना चाहूंगा कि यदि आप प्रेम प्रसंग में है तो प्रेम प्रसंग में आपको धोखा मिल सकता है। किसी पर भी अंधविश्वास न करें। देखिए, अंधविश्वास कभी भी किसी पर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार
मैं अपने वीडियोस के माध्यम से भी कहते रहता हूँ, कई बार हम अंधविश्वास किसी पर कर लेते हैं और सक्सेस भी हो जाते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं हमें होती है, चीजें जो है वो निकल जाती है। लेकिन ये वक्त जो है ये कन्या राशि के जातों के लिए अंधविश्वास को बहुत बुरी तरह से कुछ सीख दिलवाने वाला है अंधविश्वास को लेकर के, तो वो सीख की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है अंधविश्वास किसी पर ना करें, खास तौर पर प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से किसी लड़के पर या किसी लड़की पर। पति पत्नी विवाद की स्थितियां भी मुझे बनती हुई नजर आती है, विवाद से बचने का काम विवाद से बचने का प्रयास करें। परिवार में वाद विवाद या अलगाव की स्थिति हो सकती है, पैतृक संपत्ति को लेकर के झगड़ा हो सकता है, गुस्सा क्रोध की स्थिति आपकी भी यहाँ पर बनती हुई मुझे नजर आती है कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के बाद तुला राशि के जातकों की बात करें तो खर्च यहाँ पर ज्यादा होगा, फिजूल खर्च हो सकता है, बचत में कमी यहाँ पर मुझे बनती हुई नजर आती है। शत्रु आपको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है तुला राशि के जातकों को। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का आप निर्माण कर लेंगे, खास तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं देने वाले हैं या फिर दे चुके हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं कॉन्फिडेंटली जाइए भैया, आपकी तो सक्सेस है क्योंकि आप दूसरों के सामने खुद को बहुत सही रिप्रेजेंट कर पाएंगे इस बार सूर्यदेव के राशि परिवर्तन की वजह से। उन्नति के योग हैं जो भी काम आप करते हैं, स्टूडेंट्स के अलावा भी यदि हम बात करें तो उन्नति के योग है, सफलता के योग है, खुशी के योग है, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत करिए, सफल बनिए। धनु राशि के जातकों की बात करें तो एक शब्द कहूंगा भाग्य में वृद्धि। जी हाँ, सूर्यदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए भाग्य में वृद्धि लेकर के आया है, जो भी काम आप करते हैं उस काम में आपके सक्सेस हो भाई, यही तो भाग्य वृद्धि है। यदि आप बीमारी से परेशान थे लंबे वक्त से, अभी आप थोड़ा सा कुछ उपचार करते हैं बहुत जल्दी आपको राहत मिलती है, आप तंदुरुस्त हो जाते हैं, भाग्य में वृद्धि हुई ना। यदि आप नौकरी लगने के इच्छुक थे, बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, अब आपने बहुत आसानी से नौकरी पाली, भाग्य में वृद्धि हुई, बहुत अच्छी नौकरी पाली, आप एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छी तरह से याद हो रहा है, ओवरऑल भाग्य में वृद्धि के योग है, बहुत अच्छा समय है। धनु राशि के बाद मकर राशि के जातकों की बात करें तो भागदौड़, मेहनत, चिंता, तनाव, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम, ये मुझे यहाँ पर सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन आपको देता हुआ नजर आता है। अपने स्वास्थ्य का खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है, मेहनत तो देखिए हर किसी को करना पड़ता है, कई बार जीवन में कई बार होता है मेहनत हमें ज्यादा करनी पड़ती है, कई बार होता है मेहनत कम, मेहनत में भी हमें चीजें मिल जाती है। कई लोग जो है जिनके माता पिता ने उनके मकान बना करके, जो जो माता पिता के बनाए हुए घरों में रहते हैं, वो देखिए अपनी छत की तरफ देखिए और बोलिए इसके लिए मैंने क्या मेहनत की, कुछ मेहनत नहीं की, जीरो मेहनत की, वो चीज़ मिल गई ना। तो लेकिन कई बार ये होता है कि हम कई लोग होते हैं जिनके माता पिता के द्वारा उन्हें मकान या कुछ कुछ चीज़ नहीं मिलती, वो खुद अपने दम पर करते हैं। ऑब्वियसली मेहनत कभी किसी को करनी पड़ती है, किसी को नहीं करनी पड़ती है, लेकिन कई बार ये होता है कि चीज़ें आसानी से मिलती है, कई बार ये होता है कि चीज़ें मुश्किल से मिलती है, लेकिन ये वक्त थोड़ा सा मुश्किल से देने वाला है, मेहनत करिए सफल बनिए। मकर राशि के बाद कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो क्रोध, चीड़, गुस्सा, विवाद, अलगाव, इवन डिप्रेशन जैसी स्थितियां भी आपको यहां पर लग सकती है। मेरा कहना है ये है कि अपने क्रोध पर संयम बरतने का प्रयास करें, अदरवाइज अलगाव की वजह से आप चिंता में तनाव में आएंगे। अलगाव क्या मतलब, परिवार में विच्छेद होना, जो रिश्तेदार है उनमें विच्छेद होना, दोस्तों में विच्छेद होना, तो ये स्थितियां मुझे यहाँ पर दिखती हैं। अपने मेडिटेशन करने का प्रयास करें जिससे मन शांत रहे, खुश रहे। और फाइनली मीन राशि के जातकों की बात करें तो स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा खराब मुझे यहाँ पर दिखता है, आपके लिए भी गुस्सा मुझे यहाँ पर दिखता है, विवाद की स्थितियां मुझे भी यहाँ पर दिखती है। देखिए परिवार जो है, परिवार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हम सभी के लिए होता है। मैं हमेशा बार बार इवन जो जो क्लाइंट्स मुझसे कंसल्टेशन कुंडली कंसल्टेशन लेते हैं उनसे भी कहता हूँ, मैं तीन चीजों को जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। पहले नंबर पर आपका स्वास्थ्य, दूसरे नंबर पर आपका परिवार और तीसरे नंबर पैसा। देखो पैसा कोई भी बोलते पैसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन उस व्यक्ति से पूछिए कि आपको पैसा नहीं देंगे एक साल, अब आप बोलिए क्या करना है, बहुत महत्वपूर्ण है भैया पैसा। प्रैक्टिकली बात करिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, परिवार भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तीन चीजें आपके साथ है, तीन चीजें पर्याप्त मात्रा में, तीन चीजें खुशहाल है आपके साथ, तो आपका ये जीवन स्वर्ग है। तीनों में से कोई भी एक खराब है, भाई पैसा बहुत मिल रहा है, परिवार जो है बड़े वाद विवाद चलते रहते हैं, परेशानियां चलती रहती हैं,
या स्वास्थ्य खराब होते रहता है, या स्वास्थ्य बहुत तगड़ा है लेकिन पैसा बिल्कुल भी नहीं है, या फिर परिवार में प्रॉब्लम है, या परिवार चलो ठीक है परिवार के लोग सब लोग साथ में है लेकिन पैसा नहीं है उनको उतनी खुशी, भाई पैसे से जो है भौतिक खुशियां दी जाती है और भौतिक खुशियों से मानसिक खुशियां जुड़ी हुई होती है कहीं ना कहीं। यदि आपको एसी में बैठाना है अपने परिवार को, पैसा लगाना पड़ेगा, और जब कोई एसी में बैठेगा तो आपको कितनी खुशी मिलेगी, अरे मेरी माता जी जो है, मेरे बच्चे जो है, मेरी पत्नी जो है, मेरे भाई जो है, वो मेरी वजह से एसी में बैठे, खुशी मिलेगी ना, और उनको तो खुशी मिलेगी कि चलो किसकी मेहनत से मैं एयर कंडीशन में बैठे हूँ। तो ये जो स्थिति है, ऐसी स्थितियाँ परिवार की, परिवार भी जो है, मेरा कहने का मतलब ये था कि परिवार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस वजह से वाद विवाद की स्थितियों से बचना चाहिए आपको, और अपने परिवार का ध्यान भी आपको रखना चाहिए, गुस्से पर काबू पाना चाहिए। तो यहाँ पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि के बारे में चर्चा की, समझने का प्रयास किया, मैंने राशिफल भविष्यफल बताया, सूर्यदेव के राशि परिवर्तन की वजह से क्या हाल होगा ये बताया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।